बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे का पूरा आलम कुफर मुत्तहिद होकर हमारे आका व मौला सुल्तानुल अंबिया ताजदार हतम नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज्जत व नमूस पर हमलावर है और इस मकसद के लिए तमाम तर जदीद बलागी वसाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, अखबारात, रसायल व जराइद वगैरह को बरूए कार लाया जा रहा है और गुस्ताखाना हाके शाया किए जा रहे हैं। अब इन हालात में मिल्ली गैरत और दीनी हमीयत हर एक कलमा गो मुसलमान से सवाल करती है कि आपने तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया है। क्या आपने तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना हिस्सा डाला है? जो कुछ आप कर सकते थे क्या वो आप कर रहे हैं? तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक कलमा गो मुसलमान का फर्ज है, तो क्या आप ये फर्ज पूरा कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर, गौर व फिक्र जरूर कीजिएगा। इस सवाल के जवाब के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार कीजिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इल्म का नूर अता किया है तो फिर अपने मुतालिया का रुख तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ दीजिए। अगर आप तालीम व ताल्लुम के शोबा से वाबस्ता हैं तो फिर अपने तलबा के सीनों में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंदील रोशन करने के लिए तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दीजिए। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखने की सलाहियतें अता की हैं तो फिर अपने अफकार नज़रियात को, अपने अफकार हरूफ की हुरमत को हुरमत मुस्तफ़ा पर निसार कीजिए। अगर आप एक मुकर्रर हैं, बयान करना जानते हैं, खिताब करना जानते हैं, तो फिर अपने तमाम तर बयानात को तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दीजिए। अगर आप मीडिया से मुंसलिक हैं तो अपनी तमाम तर सलाहियतों को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत के तहफ्फुज़ के लिए बरूए कार लाएं। अगर आप अहले सरवत हैं तो फिर अपना माल तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खर्च कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नमूस के लिए खर्च की गई एक एक पाई आपके लिए कब्र का नूर और आखरत का तोशा बनेगी और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। अगर आप खातून खाना हैं तो अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज में कीजिए कि आपकी औलाद तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान करने के जज्बा से सरशार होकर परवान चढ़े। अल-मुख्तसर अहबाबे ज़ी-वक़ार, आप जिस भी मर्तबा व मनसब पर फ़ाइज़ हैं और जहाँ कहीं भी हैं, अपनी सलाहियत और वसाइल के मुताबिक तहफ्फुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम काम में अपना हिस्सा डालें और ज़रूर डालें।